तीन तलाक कानून बनते ही विभिन्न विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। सदन से लेकर सड़क तक विरोधी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं तीन तलाक कानून बनने से नाराज AIUDF प्रमुख मौलाना बदुद्दीन अजमल ने नया विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम महिलाओं की तुलना में तीन गुना अधिक अनुपात में हिंदू महिलाएं तलाक का शिकार होती हैं। उन्होंने नए कानून को मुस्लिम और महिला विरोधी बताया है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी थी, जिसको लेकर यहां मीडिया के सामने मौलाना अजमल ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं जताई हैं। राज्य के धुबरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद मौलाना अजमल ने कहा कि तीन तलाक कानून मुसलमान विरोधी कानून है, इससे मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये केवल राजनीतिक लाभ उठाने के मकसद से लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अगर सचमुच में महिला सशक्तिकरण की हिमायत करती है तो उसे सभी धर्मों की महिलाओं के विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, सही बात तो ये है कि भाजपा हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुश्मन है। मौलाना अजमल के मुताबिक भारत में 68% हिंदू महिलाएं तलाक की घटनाओं की शिकार होती हैं, जबकि महज 26% मुस्लिम महिलाएं ही तलाक की शिकार होती पाई गई हैं। वहीं AIUDF प्रमुख ने दावा किया है कि तीन तलाक इस्लाम धर्म के लिए घृणास्पद है। केवल तीन तलाक ही नहीं, एक तलाक भी अस्वीकार्य है। मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को हल करने में विफल रही है। सच तो ये है कि भगवाकरण की लहर से देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच झड़पें हुई हैं।